हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे हार्ड ड्राइव में कभी कभी दो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते, तो इंस्टॉलेशन तो हो जाता है लेकिन हमारा हार्ड डिस्क काफ़ी हद तक भर जाता है, तो उसका स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। देखो अभी जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो मेरा हार्ड डिस्क है और ये लगभग 150 GB के 45 GB का टोटल स्पेस है। इसमें OS है, वो ऐसे देखो आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ। जैसे आप सी ड्राइव में जाकर चेक करोगे, देखो एक विंडोज़ ओल्ड और एक विंडोज़ ओल्ड 2 दिखा रहा है। तो आपको कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके आप आपका जो ये एडिशनल वाला जो है, मतलब पुराना वाला जो विंडोज़ है, वो कैसे आपके सिस्टम से निकाल सकते हैं और आपका हार्ड डिस्क का जो स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम गणेश है, वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान, बस और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जाना है, अगर आप विंडोज़ 10 में हैं तो आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सिस्टम में। जैसे आप सिस्टम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको क्या करना है, स्टोरेज के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टोरेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टेम्पररी फाइल का एक ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो आप देख सकते हो लगभग 9 GB के आसपास मेरे पास डेटा पड़ा है, तो ये टेम्पररी फाइल का, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी मुझे इसको अनइंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, टेम्पररी फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद देखो आप देख सकते हैं कि मेरा जितना भी टेम्पररी फाइल है, देखो इसमें प्रीवियस विंडो इंस्टॉलेशन बता रही लगभग 3 GB के आसपास है, तो ये सब अनवांटेड फाइल्स है जो मेरे सिस्टम में पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, सबके ऊपर क्लिक करूँगा और उसको अनइंस्टॉल कर दूँगा। देखो मैं अभी क्लिक करता हूँ तो उसमें एक डाउनलोड का भी फोल्डर है। तो आपको क्या करना है कि ये सब करने से पहले आपका जो भी डाउनलोड का जो फोल्डर है उसमें जाके आपको देख लेना कि आपका कुछ उसमें इम्पोर्टेंट डेटा अगर पड़ा है तो आपको उसको ये करना है, नहीं तो आप उसको अनटिक करोगे तो भी चलेगा। तो देखो सेटिंग में जाने के बाद आपको जो जो आपको रिमूव करना है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। तो देखो मैं डाउनलोड छोड़ देता हूँ, देखो बाकी सब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो बाकी ऑटोमेटिक सब सिलेक्टेड है। और सिलेक्टेड होने के बाद आपको क्या करना है, रिमूव फाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिमूव फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया। तो कुछ मिनट के अंदर ही ये जो मेरा पुराना जो सिस्टम इसके अंदर था वो हट जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखो कुछ मिनट के बाद जैसे आप प्रोसेस करोगे, देखो ये आप देख सकते हो फिनिश टेम्पररी फाइल क्लीन अप करके। तो देखो ये आपको जाना पड़ेगा अभी वापस सी में, और सी में जाके आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो कितना हो गया। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो मेरा पहले थोड़ा ज़्यादा था और अभी थोड़ा सा कम हो गया। तो इस तरह से आप आपका जो उसमें जो इंस्टॉलेशन जो था ओल्ड वाला, उसको आप बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।